जय गौ माता। मित्रों, तो ये पूरी तरह से देसी गाय का मक्खन है। ये मक्खन हमने लिया है और ये उसको पूरी तरह से नेचुरल से बनाया है, जो पहले के समय में आज से लगभग 20 या 30 साल पहले लोग लकड़े की रवाई हम बोलते हैं उसको गुजराती में, आपकी आप जो भी बोलते हैं, कहीं लोग बिलोना भी बोलते हैं लेकिन हम रवाई बोलते हैं, तो उसी से हमने उसको निर्मित किया है और पूरी तरह से नेचुरल बनाया है। झुन्नी पद्धति से हमने घी बनाया है। देखिए इस तरह से, ये पूरी तरह से देसी गाय का लिया हुआ घी है, उसके अंदर हमने कोई मिलावट नहीं किया है क्योंकि हम कोई घी सेल नहीं करते हैं, लेकिन हम आपको जो भी बताएंगे सच बताएंगे। तो ये पूरी तरह से देसी गाय का घी लिया है। ये हमने हमारी घर के लिए हमने उसको पकाते हैं, हम कहीं सेल नहीं करते हैं। हम ज़्यादातर गाय का घी तो हम प्रोडक्ट बनाते हैं तो उसमें यूज़ करते हैं, लेकिन ये हमने हमारे खाने के लिए उसको हम उपयोग करेंगे, तो हम उसको पकाएंगे। तो किस तरह से पकाते हैं ये आपको दिखाएंगे। और आप सभी को हमारा एक छोटा सा निवेदन है कि आप किसी भाई या बहन को अगर घी खाना है तो कोई भी गौशाला या कोई भी देसी गाय वाले होते हैं वहाँ से आप खरीद सकते हो, लेकिन आप मार्केट से आपको नहीं लेना चाहिए क्योंकि मार्केट के अंदर जो घी मिलता है ये अच्छा नहीं घी होता है। मार्केट के अंदर 300-400 रुपये में किलो घी बिकता है, तो ये अच्छा नहीं होता है हमारे सेहत के लिए, तो ये ठीक नहीं होता है, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया है। तो ये पूरी तरह से जो हमने बनाया है ये तो पूरी तरह से ऑर्गेनिक है और उसके अंदर तो हमने कुछ नहीं डाला है, लेकिन मार्केट के अंदर मिलता है वो घी का बहाना होता है, उसके अंदर कोई घी की स्माइल भी नहीं आती है। देखिए तो इस तरह से हम उसको पकाएंगे। तो आपको कहीं भी किसी को भी घी चाहिए तो आप जो आजकल तो गौशाला में भी मिल जाता है और कहीं भाई या बहन गायों रखते हैं तो वहाँ से भी आपको मिल जाता है अच्छा सा घी खाने के लिए। तो ये हम जो गाय का देसी गाय का घी खाएंगे तो उसका फ़ायदा भी अटड़क होता है क्योंकि उसमें ताकत बहुत होती है घी खाने से, तो आपको वहाँ से मंगवा लेना चाहिए, आपको बाज़ार का घी नहीं खाना चाहिए। तो ये हमारा एक खास निवेदन है आपसे। देखिए तो इस तरह से हम उसको पकाएंगे और हमने तो हमारे घर के लिए बनाया है, हमें इस सर्दी की सीज़न है तो हमें थोड़ी सी मिठाई करनी है, तो उसी से हम मिठाई बनाएंगे और खाएंगे, पेट भर के खाएंगे। तो ये घी तो लाजवाब है क्योंकि ये एक ही गाय का घी है और ये फिर देसी गाय का है, तो देसी गाय का घी तो अलग ही होता है। तो हम बाज़ार से घी लेते हैं तो उसके अंदर कोई स्माइल भी नहीं आती है, तो इसीलिए ये घी हमें नहीं लेना चाहिए। तो देखिए इस तरह से हम उसको पकाएंगे, हम देसी पद्धति से पकाते हैं, उसके अंदर हम कोई चीज़ नहीं डालते हैं, लेकिन कहीं भाई बहन पकाते हैं तो डालते होंगे, लेकिन हम कोई चीज़ नहीं डालते हैं। देखिए इस तरह से हम उसको पकाएंगे, धीमी आंच में उसको पकाना चाहिए ताकि वो पूरी तरह से जल ना जाए। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। मैं कोई बड़ा आदमी नहीं हूँ, मैं भी एक छोटा आदमी हूँ आप जैसा हूँ, तो आप लोगों का हमें सपोर्ट चाहिए तो आप हमें सपोर्ट करते रहना। तो ये घी पूरी तरह से पकने के लिए आ गया, देखिए इस तरह से घी पक गया है। तो अब उसको हम थोड़ी देर और पकाएंगे ताकि जो उसके अंदर जो झाग आता है ये पूरी तरह से बीट जाए, तो थोड़ी देर और उसको पकाएंगे हम। देखिए इस तरह से हम उसको पकाएंगे और मैंने बोला कि आप हमें सपोर्ट करो, हमें सपोर्ट की ज़रूरत है, हम कोई बड़े आदमी नहीं है, हम भी एक आपके जैसे छोटे आदमी है। देखिए इस तरह से हम उसको पकाएंगे। तो ये पक चुका है पूरी तरह से। देखिए इस तरह से घी हम पकाते हैं, कोई भी भाई पकाते होंगे अलग तरीके से पकाते हैं, लेकिन हम इस तरह से पकाते हैं। हमने इसके अंदर कुछ नहीं डाला है, हम झुन्नी पद्धति से घी को पकाते हैं और ये पूरी तरह से लकड़े की जो बिलोना बोलते हैं उसी से हमने निर्मित किया है। तो जय गौ माता, वंदे गौ माता।